को ऐसे ही हम लोगों को और जो जूना सामान है वो हटा दो, नया टीवी लाओ, नया फ्रिज लाओ, क्यों हम लोग जो जूना वहाँ पर है वो नहीं चलेगा। ये क्या बात हो गई, सब तुम्हारा चलेगा तो पब्लिक जाएगी क्या, पब्लिक का क्या चलेगा, नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुंबई कौसा में बिजली प्राइवेटाइजेशन होने के बाद टोरेंट पावर की मनमानी पर विरोध जारी। जी हां, आज एक बार फिर संजय नगर पर काफ़ी लोगों ने हंगामा मचाया, टोरेंट कंपनी के बिलों को फाड़ करके पैर के नीचे कुचला। वहीं उन लोगों का आरोप है कि बेमतलब का बेफिजूल का हमें ज़्यादा बिल भेज रहे हैं टोरेंट पावर वाले। जिस इंसान की पगार 10,000 रुपया है और अगर उसे 2 महीने का बिल 25,000 आता है तो वो क्या करे। आइए चलते और एक झलक डालते हैं कि क्या कहा इन लोगों ने। घर में कोई भी नहीं है, कम से कम 3 महीने से गाँव में उन लोग हमारे सामने ही रहते। बिल कितना बिल आया आपका? 4,000। एक महीने का है, कितने महीने? वो मालूम है, इसके अंदर हर मंथ में आता है उनको, हर मंथ अगर टोरेंट अगर यहाँ के पब्लिक को अगर टोरेंट नहीं चाहिए तो काई के लिए ना टोरेंट आके टोरेंट पावर यहाँ पे कर रही है। हाथ जोड़ के विनती है टोरेंट यहाँ से भगाओ, ये नहीं चाहिए इधर टोरेंट। हम लोग को गरीब लोग हैं, हम लोग काम पे जाने वाले कहाँ से पैसा भरेंगे। आधा पगार अगर टोरेंट अगर इलेक्ट्रिसिटी में आधा पगार भर देंगे तो कहाँ से हम लोग जिएंगे यहाँ पे। टोरेंट हटाओ इधर से, नहीं चाहिए टोरेंट। और सबसे पहली बात, यहाँ पर झूठ बोल के काम किया गया है। मंत्री लोग अपना काम करते अपनी जेब भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए पब्लिक का मुर्दा है, मुर्दा निकालते पब्लिक का। हाँ चला, कोई आता नहीं इधर पूछने के लिए, बिल नहीं, बच्चे खाए के लिए, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, उनका क्या चल रहा है, तुम लोग को क्या नहीं चल रहा है, कोई पूछने नहीं आता। बस बिल आया भरो, ये टोरेंट लाया कौन, जो मंत्री ने टोरेंट लाया बोला तू बिल भर, हम नहीं भर रहे, हम मीटर लगाएंगे नहीं इधर, हम तो इधर रास्ते में सो जाएंगे, हमारी ऊपर से लेके जाओगे टोरेंट हमारे विजयनगर में, हम लोग घुसते नहीं।
मेरा वाला हर महीना बिल आता है 12,000 मेरे से बिल भर के गया। मैं चार बार एक ही लड़का इनके घर में कमाने वाला है, एक ही लड़का है। मैं क्या कर सकती बताओ, कहाँ से इतना बिल भरूंगी? महीने का 12,000 बिल आता है क्या? मीटर जो है वही लगा दो, नया मीटर मत लगाओ। नया मीटर हम लोग बोल रहे जो जूनी वायरिंग है वो हटा दो, नई वायरिंग करो, मतलब उसके लिए हम वापस 10,000 डालने का, कहाँ से लाने का पैसा? हम लोग क्या हम लोग झाड़ के झाड़ पे पैसा लगाए क्या? और जो जूना सामान है वो हटा दो, नया टीवी लाओ, नया फ्रिज लाओ। क्यों हम लोग जो जूना वहाँ पर है वो नहीं चलेगा? ये क्या बात हो गई? सब तुम्हारा चलेगा तो पब्लिक जाएगी क्या? पब्लिक का क्या चलेगा? एक लाख 64 कितना बिल आ रहा भाई? भाई ने पहला बोले क्या बोल के लगाया गया? क्या भाई पूछ लो एक बार, क्या बोला गया था आपके कंपनी की तरफ से? क्या बोला गया था हमको? हमारे टेक्नीशियन ने बोले थे कि जूना मीटर रहेगा वही लगेगा, जिनका फॉल्टी है और जिनका चक्री वाला मीटर है वो बदली हो जाएगा। और बाद में फिर हमको नया मीटर दिया और बोले नया लगा, तो हमने लगा दिया। हम तो कॉन्ट्रेक्टर है हमारे पास। तुमने पूछ के लगाया क्या? किसका रूम है उसको पूछे क्या? पूछे कैसे लगा दिया तुमने? आपने क्यों बोला लोगों से कि आपका जूना मीटर रहेगा फिर नया मीटर लगा दिया आपने? हमको ऑफिस से बोला गया था, तो हमें कहा गया था आपसे कि आपसे आप जाकर ये कहना उन लोगों से, बोले जो जूना रहेगा ना वही मीटर लगेगा, जो चक्री वाला रहेगा मीटर वो बदली हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना।